नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु अपने चैनल टेक शॉप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपके टाटा स्काई के रिमोट में कोई कोई कीज़ काम नहीं कर रही हैं, जैसे कि आपकी वॉल्यूम की कीज़ अगर काम नहीं कर रही हैं, या चैनल की कीज़ काम नहीं कर रही हैं, या कोई भी की में कोई इशू आ रहा है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक और अपने सॉल्यूशन को मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिमोट आपका परफेक्टली काम करने लगेगा। सबसे पहले हम अपनी बैटरीज को रिमूव कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे कि आप जिस भी टूल से अपना रिमोट ओपन कर रहे हैं वो टूल आपकी बॉडी को क्रैक ना करे, और कोई अच्छा सा टूल हो, या आप अगर उसको किसी भी चीज़ से ओपन कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि हमारी बॉडी क्रैक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले रिमोट ओपन करते हुए हमारा मेन मोटो यही होना चाहिए कि हमारी बॉडी क्रैक ना हो जाए। बैटरीज़ को रिमूव करने के बाद आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक स्क्रू होता है लगा हुआ, इस रिमोट में नहीं लगा हुआ है, तो वो स्क्रू को सबसे पहले आप ओपन करेंगे। स्क्रू निकालने के बाद आइए बॉडी को खोलते हैं। बहुत केयरफुली खोलेंगे, बॉडी को क्रैक नहीं करेंगे। देखिएगा, ये हमने अपना रिमोट ओपन कर लिया है। इसके बाद हम इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो ये पैड है, रबर वाला पैड है जिसमें ये सारे बटन्स होते हैं, और एक ये मदरबोर्ड है जिसमें ये काम करता है। तो आइए इसको हमें कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप एक कॉटन लेंगे और आप थिनर लेंगे थोड़ा सा, आपके घर में थिनर होगा डेफिनेटली, या फिर अगर आपके पास थिनर नहीं है आप पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। इस कॉटन में थोड़ा सा थिनर लेंगे और इसके बाद हम अपने बोर्ड को हाथ में लेंगे और इसके कॉन्टैक्ट्स को अच्छे से थिनर से साफ करेंगे। ये थिनर विद इन अ सेकेंड आपका लगने के बाद सूख जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और आइए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिएगा, ये देखो, हमने एक साफ कॉटन ली थी और ये देखो कितना इसमें डस्ट लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा था ये। और उसके बाद सेम वही हम अपने पैड के साथ करेंगे, रबर पैड के साथ। इसमें जो भी आपकी कीज़ काम नहीं कर रहे हैं उसके बैक साइड में अच्छे से उस कीज़ को भी साफ कर लेंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सॉल्यूशन था, सिंपल सा। आप इसको करोगे तो आपका रिमोट डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। उसके बाद आप वापस से अपने रिमोट को पैक कर लेंगे। और अब आप जब आप अपना रिमोट यूज़ करेंगे, देखिएगा इसको बंद करने के बाद कोई बटन आपका दबा ना रह जाए, अगर दबा रह जाता है तो उसे प्लीज़ ठीक करके वापस से खींच लीजिए हल्का सा, और वो आपका रिमोट फिर काम करने लगेगा। तो ये था दोस्तों दो सॉल्यूशन इस चीज़ का कि अगर आपके कोई भी कीज़ काम नहीं कर रही है रिमोट में तो उसको हमें कैसे ठीक करना है, और ये रिमोट आपका इसके बाद अच्छे से काम करने लगेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।